number of units are 8 or more, तो number of units हैं वो 8 या उससे अधिक हैं, तो ये लगभग रहेगा। अब इसको उदाहरण देखिए, आपने कहा इनका जो मेरा प्रोजेक्ट देखिए वो 450 का रुपया लेना लागू होगा, अभी केवल इतना बता दो आप, नहीं होगा रुपया दे, अभी मेरी बात अधूरी, जो मेरी नंबर ऑफ यूनिट है वो 10 है। If either of the condition is true, तो ये रहा है true। Provided the project is in development area, ठीक है, ये तीन चीजें। अब जो यूनिट का मतलब नंबर ऑफ इसमें फ्लैट्स है, तो उसका नाम हो गया अपार्टमेंट, नंबर ऑफ अपार्टमेंट आर स्पेशल। अच्छा, अब जो है जब ये लागू हुआ 1 मई 2017 को, ये कहा गया दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो 1 मई 2017 को चल रहे थे चालू परियोजना की, अर्थात जिनको 1 मई 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, प्रोजेक्ट कंप्लीट कब आने थे, व्हेन द प्रोजेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीटेड, जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, बन गया सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा तभी प्रोजेक्ट को शुरू करना रहेगा। 1 मई 2017 को जो प्रोजेक्ट चल रहे थे जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, वो भी लेना चाहेंगे, उनका नाम होगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं, नंबर वन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अब ये 1 मई 2017 को आपको भूलना नहीं है, दिस इज कमेंसमेंट डेट, यानी कमेंसमेंट डेट पर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे अर्थात जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1 मई 2017 तक नहीं मिला था, वो रेरा में आ जाएंगे, और जो प्रोजेक्ट 1 मई 2017 के बाद शुरू हुए उसको हम कहेंगे न्यू प्रोजेक्ट। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे उस साइट पर, तो पूछेगा ऑन गोइंग या न्यू, ऑन गोइंग वो होगा जो 1 मई 2017 के बाद शुरू होता है, न्यू वो होगा जो 1 मई 2017 के बाद शुरू होता है। तो ये इतने प्रोजेक्ट आए, अब उसका थोड़ा डिटेल देखते हैं, पहले इतनी रेरा में अबाउट इतनी रेरा, क्योंकि ये इसके दो कारण है, इनका जो बड़ा ऑफिस है वो लखनऊ में है, अभी आज ये जो सरकार नए लोग कराया कर रहा हूँ वो हैदराबाद, यहाँ पर एक कार्यालय भी होता है, अभी इनका नया कार्यालय गोमती नगर एक्सटेंशन में, तो वहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया, वो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ एक इनका रीजनल ऑफिसर एन सी आर, वहाँ पर जो है ये जो प्रोग्राम प्रोग्राम हुआ है ये देखा गया है, जो शिकायतें आती हैं शिकायतें उसमें 70% शिकायतें एन सी आर की आती है, एन सी आर, और उसमें भी एन सी आर की जो 70% शिकायतें हैं उसमें 90% शिकायतें केवल नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद से आती हैं, बाकी 30% पूरे यूपी में, इसलिए वहाँ पर रीजनल ऑफिस बना दिया है, एन सी आर रीजनल ऑफिस जो बटन नगर में, तो दो ऑफिसर हैं